नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर रायबरेली से। उत्तर प्रदेश की जनपद रायबरेली में इन दिनों भूमाफिया एवं आम जनमानस गरीब असहाय लोगों की अवैध जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जो असहाय गरीब थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके हाथ लगती है सिर्फ मायूसी। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के ग्राम संसारी परगना परशदेपुर तहसील सलोन रायबरेली का है, जहां न्यायालय से पारित स्टे की जमीन 48 मीटर अंदर, जिसमें जबरदस्ती गुंडई के बल पर रात दिन विपक्षी अवैध निर्माण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित निहाल अहमद खान ने इसकी सूचना कई बार थाना ढी और तहसीलदार अजय गुप्ता सलोन को दी है, लेकिन इसके बाद भी मौके पर आज तक तहसील प्रशासन एवं उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे। आज एक दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मौके पर कई थानों की फोर्स क्षेत्र अधिकारी एवं रायबरेली एसपी श्लोक कुमार व डीएम वैभव श्रीवास्तव मौजूद रहे। मीटिंग समाप्त होने के बाद जैसे उच्च अधिकारी बचत भवन से बाहर निकले, पीड़ित निहाल अहमद खान ने रो रोकर अपनी पूरी दास्तां बताई, जहां रायबरेली के तेज तर्रार डीएम वैभव श्रीवास्तव ने पीड़ित को सांत्वना देते हुए कहा जल्द ही उचित कार्रवाई कराई जाएगी। परेशान नहीं हुई है, सब जगह टीम चली है। अभी मैं इनको दे रहा हूँ, मैं बैठ के पूरा दो दिन के अंदर आप लोगों का स्कीम आई। फिलहाल मौके पर सलोन एसडीएम दिव्य ओझा क्षेत्र अधिकारी बलेखपाल पहुंचकर काम को रुकवा दिया, जहां धड़ल्ले से कार्य चल रहा था। मौके में फोर्स को देखते हुए सभी लेबर मजदूर फरार हो गए। फिलहाल अब देखना है कि आखिर कार्य कब तक रुका रहता है, या फिर प्रशासन का डर से यह कार्य रुक गया है। आज पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय न्याय पाने के लिए पहुंचा। अब देखना है पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। रायबरेली से नरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।